सहरसा से निर्मली रेलखंड पर बनने जा रहा एक नई रेल लाइन, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। लॉकडाउन के दौरान कोसी क्षेत्र को मिथिलांचल से जोड़ने के लिए सहरसा निर्मली महत्वपूर्ण रेलखंड पर 5 किलोमीटर की दूरी में रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे शुरू किया गया। सेंटर लाइन सर्वे कार्य का डिप्टी चीफ इंजीनियर ने उद्घाटन किया और उनकी देखरेख में यहां पर कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। सहरसा निर्मली महत्वपूर्ण रेलखंड पर आमान परिवर्तन कार्य पूरा होते ही लाइन चालू हो जाने के बाद कम समय में रेल मार्ग से लोग मिथिलांचल पहुंच सकेंगे। कोसी पुल पर रेलवे ने अलाइनमेंट करते हुए शुरू लॉकडाउन वन वे के दौरान बंद आमान परिवर्तन कार्य 1 महीने के बाद फिर से शुरू हो गया है। लॉकडाउन 2 के दौरान कार्य करने के लिए रेलवे ने जिला प्रशासन की अनुमति ली और सहरसा आसनपुर कुफा रेलखंड में कोसी पुल पर ट्रैक अलॉटमेंट करने का भी काम शुरू किया गया। इसके बाद पटरी को मुख्य एक समान करने के लिए मशीन चलाने का काम किया जाना है और अन्य यहां पर शेष बचे कार्य को भी लेकर के रेलवे की सहमति बन चुकी है और इस कार्य को भी यहां पर किया जाना है। इसके अलावा अन्य कार्य जिसमें सहरसा से पूर्णिया रेलखंड के बनमखी में RPF बैरक का भी निर्माण किया जाना है, जो कि 1 सप्ताह के अंदर शुरू करने की योजना बनाई गई है। निर्माण कार्य शुरू करने की अनुमति लेने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र भी लिखा गया है और हरी झंडी मिलते ही इस कार्य को भी अंजाम यहां पर दिया जा सकता है। वहीं समस्तीपुर मंडल के सीनियर DEN ने अन्य कार्यों को लेकर के यहां पर CRS इंस्पेक्शन किया और जल्द ही इसको भी लेकर के यहां पर अनुमति मिल सकती है। और आपको बता दें कि सहरसा निर्मली महत्वपूर्ण रेलखंड को लेकर के यहां पर कार्य युद्ध स्तर पर चालू हो चुका है और जिसको लेकर के जल्द ही नई लाइन बिछाने की भी बात कही जा रही है और यह जल्द कार्य पूरा हो सकता है। और इसका अन्य लेटेस्ट अपडेट आप तक हम लाते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।